ये है टाटा नेक्सॉन ICNG जैसे आपको दिख रहा है, ये है डुअल स्लेंडर टेक्नोलॉजी जो टाटा की आई हुई है और ये कार जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो वेलकम टू इंजन ड्राइव, क्योंकि बहुत जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। टाटा के हम पवेलियन में मौजूद है, जो कि एक यहाँ पर इवेंट चल रहा है भारत मोबिलिटी का, वहाँ पर हम मौजूद है और लुक्स में काफ़ी अच्छी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नया है, यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइट्स हैं जो अब अलग दिख रही हैं। अब आपको मालूम है नए लुक में नीचे की तरफ मेन इसके हेडलैम्प पैनल आ गए हैं यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कार देखने के मामले में बहुत ही खूबसूरत है। तो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक चीज़, क्योंकि साइड में भी है यहाँ पर कैमरा, तो एक फीचर लिस्ट दिख रही है। इनफैक्ट व्हील्स में भी काफ़ी अच्छा है, ये व्हील्स थोड़े से छोटे लग रहे हैं मुझे शायद से, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली पास में नहीं घुस जा सकता। यहाँ पर आप देख लें, अगर नंबर दिख रहा होगा आपको तो ये जो साइज़ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 16 इंच का है। और बाकी यहाँ पर बात करें तो स्पेस काफ़ी सेवर है, क्योंकि इसकी सिर्फ कुछ ही स्पेस ली गई है डुअल स्लेंडर टेक्नोलॉजी में। लगभग ये 280-300 लीटर का स्पेस अब भी मुझे लगता है बचा होगा, काफ़ी वेल कंटेंट है। और नीचे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर ऐसे इसका स्पेयर व्हील है, यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो इसको, जो पुरानी SUVs में आता था जो मैकेनिज्म लगता था वैसे ही है। और यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन भी दी गई, यानी कि टॉप मॉडल में उतारने का इनका पूरा का पूरा प्लान है। और सनरूफ भी अवेलेबल है, बहुत बड़ी बात, सनरूफ भी अवेलेबल है। तो यही चीज़ यहाँ पर काफ़ी खास दी गई है। अब यहाँ पर बड़ी बात क्या आती है सामने कि स्पेस देने के बाद चाहे इनकी नेक्स्ट आपकी टियागो हो और पंच भी है, सारे जितने भी अभी जो नई टेक्नोलॉजी पे आएंगे डुअल स्लेंडर टेक्नोलॉजी पे, सबसे बड़ी मेन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कार होने वाली है टर्बोचार्ज इंजन में CNG ऑफर करने वाली कोई OEM कंपनी देने वाली है। जी हाँ, ये फर्स्ट कार है, इसको आप याद रखना कि भैया कोई भी कंपनी ये चीज़ ऑफर नहीं कर रही जो टाटा अभी ऑफर करने वाली है। अब इसमें क्या फ़र्क आता है कि टर्बोचार्ज में ना CNG लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसे जब पावर चाहिए होती है तो CNG के अंदर भी उतना आपको जो मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए, ताकि वो जो पावर है जो आपकी एकदम से जो इग्निशन का या एकदम से जो जिसे कह सके स्पार्क्स करने की जो क्षमता होती है वो मैच कर पाए CNG, क्योंकि CNG थोड़ी स्लो होती है मेनली उनके चैम्बर में पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है टाटा की तरफ से, शायद इंडिया में पहली बार यूज़ करेंगे। और ये सिंगल ECU पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेटली टर्बोचार्ज लगा हुआ है यहाँ पर, तो टर्बो यहाँ पर इसमें जो पावर प्रोड्यूस करके देता है वो काफ़ी अच्छी है। लगभग ये 103 से 105 हॉर्स पावर के बीच में प्रोड्यूस करेगा और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैनुअल में भी आ सकता है 6 स्पीड, और जहाँ तक है कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक भी मिल सकता है जो कि AMT के साथ आ सकता है। बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो बहुत टेक्निकल हैं, वो जब हम चलाएंगे या कभी हम जानेंगे इस कार के बारे में तो डेफिनेटली आपके बारे में इसके बारे में हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। लुक्स में कोई चेंज नहीं है, ये जो अभी हाल फिलहाल में जो एक चेंज आया था नेक्सॉन में उसी पे बेस्ड है। तो हाँ, यहाँ पर मैं इतना कह सकता हूँ कि टर्बोचार्ज में CNG देना स्मार्ट आइडिया जरूर है, क्योंकि सब ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन पे जा रहे हैं और CNG एक काफ़ी अच्छा फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन है विद पावरफुल इंजन के साथ। तो डेफिनेटली टर्बोचार्ज इंजन के ऊपर गेम खेलना तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन अगर ये गेम जो है ये पासा जरूर जो है ये गैम्बल जिसे कह सके अगर अच्छा पड़ता है तो डेफिनेटली टाटा के लिए ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी जो और कोई कंपनी नहीं कर रही है, चाहे हुंडई हो चाहे आपकी महिंद्रा क्यों ना हो, उनके पास अभी ये वाला टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्सॉन ICNG पे अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना, और हम जो मौजूद हैं इस भारत जो है मोबिलिटी एक्सपो के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी चीज़ें हम दिखाई गई हैं तो आपके सामने मैं सब दिखाता रहूँगा, तो बने रहे हमारे साथ।